हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल मेज। जो आज का हमारा स्टेप है वो सेकंड स्टेप के लिए हमने वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्सकेवेशन के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। हमारे सेकंड स्टेप में जो हमारा एक्सकेवेशन के बाद आता है वो आता है हमारा सोइल की लेवलिंग। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, बेलदार जो हमारे होते हैं वो, प्लस मिस्त्री हमारे मैसन, वो अब लेवलिंग करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एरिया हमारा लेवल हो गया है और जहाँ पर ये हमने सोयल इकट्ठी करी है अब इसको हम यहाँ डंप कर रहे हैं। एंड दिस एरिया, अभी एक्सकेवेशन हमारा प्रोसेस चल रहा है और इस एरिया के अंदर हमारी अभी सोयल की लेवलिंग नहीं हुई है। सोयल की लेवलिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये जो लेवल प्रोसेस हम कर रहे हैं वो क्यों हेल्प करेगा। एंड जो एस्केवेशन होता है हमारा, अब इसके अंदर हमारी कंबाइंड फुटिंग होगी 5 फीट की, एंड आफ्टर 16 फीट हम दोबारा कुछ फीट की फुटिंग डालेंगे। तो उसके लिए हमने लेकिन पूरा एरिया एक्सकेवेट करवा दिया है। जो हमारा प्रोसेस होता है मेनली वो यही कहता है कि जो भी आपका फील्ड एरिया है उसको, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया है जो आपका, वो उसको आपको प्रॉपरली अच्छे से पूरा एक्सकेवेशन करवाना चाहिए। लेकिन जब हाउस कंस्ट्रक्शन आती है तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अब जैसे हमारे यहाँ पे 5 फीट की एक्सकेवेशन होगी, उसके बाद जो 16 फीट हमारा खाली रहेगा उसमें लोग एक्सकेवेशन नहीं करवाते, कोस्टिंग बच जाती है। लेकिन उसके अंदर लेबर को चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो हमारा स्टील होता है उसका कोना लग सकता है, क्योंकि हमारे पास एरिया नहीं होगा काम करने के लिए। तो प्रॉपर प्रोसेस यही होता है कि आप प्रॉपर सब कुछ एक्सकेवेट करवा दें, उसके बाद फुटिंग डालें एंड उसके बाद रिफिल करें सोयल को। तो हमारी आइसोलेटेड फुटिंग होती है, उसके अंदर हम बस जहाँ पे हमारी फुटिंग, कॉलम फुटिंग डलेगी उसको एक्सकेवेट कर लेते हैं उस एरिया को। एंड कंबाइंड फुटिंग के अंदर जहाँ जहाँ हमारी कंबाइंड फुटिंग डालेगी वहाँ पे एक्सकेवेट कर लेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपको एक्सकेवेशन कैसे करवानी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखें आप यही कहेंगे कि सर हम पूरे फील्ड के एरिया को एक्सकेवेट करवाएंगे, क्योंकि यही एक प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस माना जाता है फुटिंग डालने के लिए, कि सर मैं पूरे एरिया को एक्सकेवेट करवाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कॉस्ट बचानी है तो मैं बस उसी एरिया को एक्सकेवेट करवाऊंगा जहाँ पे हमारी फुटिंग डलनी है। हमेशा ध्यान रखें, यही आपको बताना है, जिसमें यही आंसर रहेगा आपका तो अच्छा रहेगा इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि आपको एक अच्छा एरिया मिल जाता है काम करने के लिए। लेवलिंग करने का प्रोसेस होता है, उसके अंदर हम लेबर से भी करवा सकते हैं और जेसीबी से भी करवा सकते हैं। अब जेसीबी यहाँ पर नीचे आ नहीं पा रही क्योंकि मिट्टी हमारी कच्ची है, थोड़ी स्टिफ सोयल नहीं है, तो उसके लिए भी हमने लेबर लगाए हैं। सो गाइस, ये था हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, प्लेलिस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी और प्लेलिस्ट में आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख सकते हैं। एट द एंड हमारा यही बात रहती है कि हमने लेवलिंग की कैसे। तो जो हमारी वो भुर्जी बनी हुई है, जैसा आप देख रहे हैं, जो हमारी आप वहाँ पे भुर्जी बनी हुई है, उस भुर्जी के ऊपर रोड लेवल दे रखा है क्लाइंट ने। तो उस भुर्जी से रोड लेवल पे ड्राइंग के अकॉर्डिंगली आपको पहले लेवल चेक करना है कि कितनी डेप्थ पे जो हमने एक्सकेवेशन की है उसके बाद कितने डेप्थ पे हमें लेवलिंग चाहिए। तो वो आप रोड लेवल से लेवल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और उस थ्रेड की मार्किंग आपको, उस थ्रेड से आपको पहले यहाँ पर बांध के लाना है, फिर वो थ्रेड वहाँ पे बांध के उधर ले जाइए, और फिर विद द हेल्प ऑफ बांस या बल्ली आप वहाँ पे मार्क कर लीजिए। एंड फिर मार्क करने के बाद विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप आप वो मार्किंग चेक कर लिए कि कितना फीट हो गया, एंड उस फीट के अकॉर्डिंग, उतने फीट के अकॉर्डिंगली उसको आप सारी जो आपका एक्सकेवेशन एरिया है उसे लेवल कर लीजिए।